Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Zara and you are watching Shining Life with Zara. So I hope everyone's doing great. आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरे कुछ स्किन केयर एमटीएस जो अभी रिसेंटली ख़त्म हो गए प्रोडक्ट जो मैंने कम्प्लीटली फिनिश कर दिए हैं. आई वॉन्टेड टू शेयर विद यू गाइस कि मैंने क्या बिल्कुल ख़त्म कर दिया, क्या है मेरे रिव्यूज़ उनके बारे में. तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और इन केस अगर आप जानना चाहते हो कि ये मेकअप लुक मैंने क्रिएट किया इसका ट्यूटोरियल देखना चाहते हो, ये पूरा मेकअप लुक हमने किया था बहुत ही अफोर्डेबल मेकअप ऑप्शंस के साथ जो कि सारे ड्रग स्टोर प्रोडक्ट्स से एसेंस का, मेबलिन का, वेरी वेरी अफोर्डेबल, कोई लग्जरियस ब्रांड हमने यूज़ नहीं किया था. सो वो वीडियो आप जाकर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और यहाँ आई बटन में कहीं लगा देती हूँ, ठीक है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट प्रोडक्ट मेरे पास जो है वो एंडिस का कोएंजाइम्स Q10 सीरम. ये मैं हमेशा लास्ट मेरे स्किन केयर की वीडियो उठाओगे जो कुछ महीनों पहले की होगी उसमें भी आपको नज़र आएगा. एंड आई लव दिस प्रोडक्ट, बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज करता है. ये बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है ये सारा. आई डेफिनेटली रीपर्चेज दिस वन. और अगर आप एंटी एजिंग स्किन केयर रूटीन फॉलो कर रहे हो तो उसके अंदर ये ज़रूर ट्राई करके देखना, डेफिनेटली आपको फ़ायदा होने वाला है. वो है मेरे पास ऑर्डिनरी का लैक्टिक एसिड 10% HA. ये प्रोडक्ट मैंने शुरू में यूज़ किया था तो मुझे कुछ इसके कुछ बेनिफिट्स नहीं है, बट मुझे किसी ने कहा कि यार आप थोड़ा टाइम इसे यूज़ करो एंड डेफिनेटली यू विल सी द डिफरेंस. आई जस्ट वांटेड टू गिव इट अ ट्राई कि ये क्या रिजल्ट है इसके. सो मुझे इसके रिजल्ट्स भी बाय द टाइम ग्रेजुअली इट स्टार्ट टू सूट माई स्किन तो मुझे इसके बेनिफिट ज़रूर नज़र आए. गोइंग टू बाय दिस प्रोडक्ट फॉर श्योर. ओके, नेक्स्ट आई हैव दिस ओले रीजेनरिस्ट रेटिनॉल 20. ये मेरी ऑल टाइम फेवरेट रेटिनॉल है बिकॉज मैं डायरेक्ट वाला जो ट्रेटिनॉइड या इस तरह का रेटिनॉइड नहीं लगाती हूँ. मैं ये क्रीम यूज़ करती हूँ बिकॉज मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है अगर मैं ट्रेटिनॉइड या फिर रेटिनॉइड लगाऊँ. सो वो मेरी स्किन को सूट नहीं करती, काफ़ी ज़्यादा मेरी स्किन रिएक्ट करती है वो लगाने के बाद. सो आई विल डेफिनेटली रीपर्चेज दिस वन एज वेल बिकॉज ये भी बिल्कुल जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है. सो आई डेफिनेटली रीपर्चेज दिस वन. फार्मा सेरिस का प्रोनाउंस सही किया यानी एंड यू कैन सी दैट लाइक मैं ये मेरा प्रोडक्ट ऑलमोस्ट बिल्कुल ख़त्म हो चुका था. इसे जाकर मैं दूसरा सनब्लॉक इसका ला नहीं पाई और मुझे बहुत ही अर्जेंटली चाहिए था. मैंने यहाँ से कट किया और उसको निकाल के यूज़ किया. सो एनीवेज इसकी हालत से अंदाजा कर सकते हो ये भी मैंने कितना ज़्यादा यूज़ किया. ये बहुत ज़बरदस्त है, इस ये स्किन पे मेरी स्किन को सूट करते हैं. सन ब्लॉक यार सारे सन ब्लॉक मेरी स्किन को सूट नहीं करते, बहुत कम है, आई डोंट नो व्हाई. एनीवेज ये वाला भी मैं ऑलरेडी इसको परचेज कर चुकी हूँ. अच्छा मेरे पास ये बाय है कि आई क्रीम. सो ये भी ऑलमोस्ट मेरी एम्प्टी हो चुकी है. सो इस आई डेफिनेटली रीपर्चेज दिस वन. ये बस सीटाफिल का ये मेरा मॉइस्चराइजिंग लोशन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और जो मेरे पुराने जितने भी सब्सक्राइबर हैं जो वीडियोस देखते रहते हैं वो उनको पता होगा कि ये मेरा मोस्ट फेवरेट मॉइस्चराइजिंग लोशन है जो मैं एवरी डे यूज करती हूँ. लाइक इसके बगैर मेरा ना मेकअप कम्प्लीट होता है और ना दिन डे और नाइट स्किन केयर रूटीन में मैं इसे जरूर शामिल करती हूँ. सो डेफिनेटली इट इज़ माई गो टू प्रोडक्ट. और मेरे पास ये हाइलुरोनिक मिस्ट है फ्रॉम एक्वा सर्च और इसी का ही ये सिरम भी है फेस. ये मैं मेकअप से पहले यूज़ करती हूँ, ऑलमोस्ट अबाउट टू फिनिश है ये दोनों प्रोडक्ट भी. बहुत ज़्यादा यूज़ करते बिकॉज बहुत अच्छे से हाइड्रेट कर देता है आपकी स्किन को मेकअप से पहले, स्पेशली अगर आप ये मिस्ट भी यूज़ करते हो उसके बाद ये. वैसे नॉर्मली मैं न्यूट्रोजेना का हाइड्रो बूस्ट यूज़ करती हूँ बट अगर मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो रही है और एक्नी हो रही है तो मैं अपनी स्किन पर गर्मियों में ये सीटाफिल का फेस वॉश भी यूज़ करती हूँ. और इस गर्मियों में मैंने काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया, ये भी ऑलमोस्ट एम्प्टी हो चुका है. आई डेफिनेटली रीपर्च हेयर केयर से रिलेटेड है जो कि मेरा ये एर्गन ऑयल था मेरे पास था ये डॉक्टर रेशल का, ये भी ऑलमोस्ट एम्प्टी हो चुका है. और ये क्यूपा का लीव इन सिरम. दीज टू थिंग्स आर बिकॉज आई एम हैविंग वेरी फ्रिजी ड्राई हेयर. रीपर्चेज ये हेयर केयर. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. I hope you enjoyed this video. So see you in the next video. Till then, goodbye.